जब भी हम कभी छुट्टी बिताने या पिकनिक मनाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहाड़ या आइलैंड घूमने का ख्याल जरूर आता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जो रोमांस, रहस्य और अजूबों से भरी हुई हैं। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, तो वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जो जोखिमों से भरी हुई हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहाँ इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने से अच्छा आप इस वीडियो को ही देखना पसंद करेंगे। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज जोन में। हम बात कर रहे हैं स्नेक आइलैंड की, जो कि ब्राजील का ही हिस्सा है। इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान वहाँ गलती से भी चला जाए तो उसके जिंदा वापस लौटने की उम्मीद ना के बराबर है। और इस आइलैंड को सबसे खतरनाक बनाता है यहाँ का सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लैंचेट, जो कि दुनिया में सिर्फ यहीं पाया जाता है। यह खतरनाक जगह ब्राजील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्यूमादा है। वैसे दूर से देखने में यह आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इंसानों के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। रिसर्चर्स का ये मानना है कि यहाँ हर स्क्वायर मीटर पर 1 से 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्राजील का आइलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। इस आइलैंड के तट पर एक लाइट हाउस बना हुआ है, जो कि ब्राजील नौसेना द्वारा बनाया गया था, जो शिप को उनका डायरेक्शन दिखाया करता था। इस लाइट हाउस में एक नौसेना का कर्मचारी काम किया करता था। इस आइलैंड में वह कर्मचारी अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ इसी लाइट हाउस में रहता था। एक दिन रात में सोने से पहले उसने खिड़की बंद करना भूल गया, जिस कारण कुछ सांप लाइट हाउस के अंदर घुस गए और पूरा परिवार इनका शिकार हो गया। इस आइलैंड से जुड़ी एक और घटना है। ब्राजील के इस स्नेक आइलैंड में केले के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। बताया जाता है कि एक मछुआरा अपने साथियों के मना करने के बावजूद केले तोड़ने के लिए इस आइलैंड पर गया, लेकिन जैसे ही उसने केला तोड़ा उसके ऊपर एक सांप गिरा और उसे बाइट कर दिया। वह इंसान अपनी बोट की तरफ भागा, लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही मर गया। इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि इतने सारे सांप इस आइलैंड पे आए तो आए कैसे? वेल, कुछ पुराने लोग बताते हैं कि बहुत पहले कुछ समुद्री लुटेरे इस आइलैंड पे लूटा हुआ खजाना छुपा दिए और इसकी निगरानी करने के लिए, कि इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे जहरीले सांप छोड़ दिए, ताकि अगर कोई खजाना चुराने आए तो उन्हें ये खतरनाक सांप काट ले। अब मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो क्या गारंटी है कि सांप उसे नहीं काटेगा? सांप तो सांप होते हैं, वो कब से वफादार होने लगे? खैर, रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के खत्म होने के बाद इस प्रजाति के सांप इस आइलैंड पे फंस गए। समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से स्नेक आइलैंड मेनलैंड से जोड़ने वाली जमीन से अलग हो गया। मेनलैंड और आइलैंड को जोड़ने वाली जमीन पानी के नीचे चली गई, इसलिए ये हिस्सा आइलैंड बन गया। समय के साथ साथ सांपों ने अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ाई। इस आइलैंड का सबसे खतरनाक सांप है गोल्डन लैंचेट, जो कि दुनिया में सिर्फ यही पाया जाता है। आज के समय ये सारे सांप नॉर्मल सांप से 5 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। अगर ये सांप किसी को बाइट कर दें तो उसका मांस तक पिघल जाता है। इनके बाइट करने के सिर्फ 1 घंटे में ही मौत पक्की होती है। इस आइलैंड पे सांपों के अलावा कोई और जानवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वजह हैरान करने वाली है। यहाँ पे रहने वाले सभी जानवर इन सांपों का शिकार हो गए, और यही कारण है कि यहाँ खाने की कमी हो गई थी, जिससे ये और भी आक्रामक हो गए और इन्होंने सर्वाइव करने के लिए माइग्रेटिव पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। ये पेड़ों के टहनियों में छुपकर पक्षियों का शिकार करते हैं। इस आइलैंड पे जाने की परमिशन सिर्फ नेवी और रिसर्चर्स को ही है, और वो भी साल में सिर्फ 1 बार। हैरानी की बात तो ये है कि इस आइलैंड के इतना डेंजर होने के बाद भी कुछ स्मगलर अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ चोरी से घुस जाते हैं और इन सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इन सांपों को रेयर होने की वजह से ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत 18 लाख रुपए तक मिलती है। वैसे आप सभी व्यूअर से मेरा एक सवाल है,
अगर आपको यहाँ गवर्नमेंट स्नेक आइलैंड पर जाने की अनुमति दे देती है तो क्या आप यहाँ जाना चाहोगे या सिर्फ वीडियो देखकर ही इंजॉय करना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें। आपका एक लाइक मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।